वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज आम आदमी की तरह इलाज कराते हुए नजर आए। एसएमएस अस्पताल में उन्होंने इलाज कराया। जब आज इलाज के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर सुधीर भंडारी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा कि समस्त इलाज एसएमएस अस्पताल में करवाना चाहता हूं। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुधीर भंडारी को कहा। उन्होंने कहा क्योंकि एसएमएस के डॉक्टर्स और चिकित्सा व्यवस्था में मेरा पूरा विश्वास है। नई शुरू की गई आरजीएचएस योजना के तहत गहलोत ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और उसके बाद ही एंजियोप्लास्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गई थी। पूरा राजस्थान चाहता है और पूरे राजस्थान का मुख्यमंत्री जी में विश्वास है, ये एक बात है। और मुख्यमंत्री जी का भी पूरे राजस्थान में विश्वास है, ये एक संदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। राजस्थान की जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो विश्व स्तरीय हैं, नहीं तो मुख्यमंत्री स्तर के किसी व्यक्ति का इलाज होता है तो लोग कहते हैं कि बाहर ले चलो, दिल्ली ले चलो, किसी बाहर के डॉक्टर को बुला लो, लेकिन बिना किसी झिझक के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एसएमएस में एंजियोप्लास्टी कराने का जो निर्णय लिया, ये निर्णय पूरे राजस्थान के लिए एक संदेश है, पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं विश्व स्तरीय हैं। जब मुख्यमंत्री राजस्थान की सेवाओं पर विश्वास कर सकते हैं तो कोई भी आदमी राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास कर सकता है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कोरोना काल के दौरान, जब से कोरोना चालू हुआ, बल्कि उसके पहले से जब पिछले बजट में उन्होंने निरोगी राजस्थान का जो एक नारा दिया था, एक अभियान चलाया था, तो उस कड़ी में मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार हुआ है। और इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री खुद अपना इलाज एंजियोप्लास्टी जैसा हार्ट का अपना इलाज जो है वो राजस्थान के डॉक्टर से करा रहे हैं, राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में करा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है।